गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनवानी क्लासेस। मैं अभिषेक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप मेरे साथ बीएससी फिजिक्स पढ़ रहे थे। आपका सेमेस्टर वन, उसमें आपकी यूनिट थर्ड चल रही थी, जिसका नाम क्या था? कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D एंड 3D। ठीक है बच्चों, मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स कंप्लीटली समझा चुका था। नेक्स्ट अब जो आपका है, अब हम 3D की तरफ चलेंगे, और 3D में आपका जो पहला टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा उसका नाम क्या है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूज क्या है इसका? इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब या टू लोकेट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एट स्फेयर। ठीक है, किसी स्फेयर में किसी पार्टिकल की लोकेशन को लोकेट करने का काम जो करता है वो हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम करता है। कैसा सिस्टम करता है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम करता है। ठीक है, इसकी छोटी सी सॉरी बच्चों, ये इसकी छोटी सी क्या होगी? डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब देखो इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, वो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके आर, थीटा एंड फाई। कौन कौन से होते हैं? आर, थीटा एंड फाई। पोलर कोऑर्डिनेट्स में मैं आपको आर थीटा समझा चुका था, यहाँ पर हल्का सा आपका थीटा में थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, हल्का सा, बहुत काफी हद तक पोलर कोऑर्डिनेट जैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, क्या चेंज आएगा वो मैं आपको भी बताऊंगा, आप डायग्राम से आपको समझाऊंगा। एक बार आप ये छोटी सी डेफिनेशन को स्क्रीनशॉट ले लो, बस इस डेफिनेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा, देखो ये आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा जब मैं आपको डायग्राम बना कर दूंगा। ठीक है, ये अब आपको मैं जितना भी समझाऊंगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की समझाऊंगा। देखो क्या होगा, मान लो मेरे पास ये एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये मेरे पास 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मान लो ये मेरे पास ओरिजिन है। ठीक है, अब क्या है, अब देखो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा है, ये आपका x-axis, y-axis और ये आपका z-axis। ठीक है, y-axis, x-axis और ये आपका हाइट जो है ये आपका स्ट्रेट है। ठीक है, कोई पार्टिकल इस पोजीशन पर रखा है, ये देखो इस पोजीशन पर मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं बोर्ड पे, वो इस पोजीशन पर, मान लो p पार्टिकल आपके इस पोजीशन पर है। तो r क्या है, धीरे धीरे समझेंगे आप इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में। r जो है वो आपका जो r ये वेक्टर है, ये इस p पॉइंट से ओरिजिन की डिस्टेंस है। ठीक है, तो आपका इसमें r क्या होता है, r इट इज द डिस्टेंस of point P from origin। तो R cap आपका क्या हो जाएगा, अगर आपका R cap भी इसी की डायरेक्शन में होगा, R cap आपका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर along R vector। ठीक है, यूनिट वेक्टर along R vector। ठीक है, ये तो हो गया आपका R। अब बच्चों आएगा थीटा क्या होता। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका क्या है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका क्या है, ये आपका z एक्सिस है। ठीक है, अब बात आएगी कि ये तो आपका हो गया R के बारे में, R और R कैप के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात आएगी कि थीटा क्या है। ठीक है, व्हाट इज थीटा। So, बच्चों देखो वहां पर क्या होता था, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा था, थीटा आपको मैंने क्या पढ़ाया था, जो आर के जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है। ठीक है, आर का वही हमारा थीटा होता था। यहां पर हल्का सा उल्टा है, जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनता है ये, इसको हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, यानी ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा जेड एक्सिस, यहां मेरा पॉइंट है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ठीक है, जो एंगल यहां इस तरीके से बन रहा होगा, अगर इधर कहीं पॉइंट रखा होगा, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं।
सो थीटा को अगर मैं बात करूंगा, व्हाट इज थीटा? सो इट इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड आर वेक्टर, जेड एक्सिस एंड आर वेक्टर, ठीक है? ठीक है, ओके। इसी को हम पोलर एंगल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पोलर एंगल भी बोल देते हैं, इसको हम पोलर एंगल भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। बाकी अगर थीटा कैप की बात करूंगा तो थीटा कैप देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो ये आपका इस डायरेक्शन होगा, मतलब आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, आर यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर जा रहा होगा। जैसे इधर क्या होता था, इस तरीके जाता था, तो इधर परपेंडिकुलर होता था, अब डायरेक्शन चेंज हो गया लेकिन अब भी परपेंडिकुलर ही है, आर के परपेंडिकुलर आपका थीटा कैप भी मूव करता, ठीक है? ये होगी आपकी थीटा कैप की डायरेक्शन, ठीक है? किसकी डायरेक्शन? थीटा कैप की डायरेक्शन। सो थीटा कैप आपका क्या है? ये आपका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग थीटा, ठीक है? तो ये आपके दोनों चीजें कंप्लीट होगी भाई, आपको थीटा भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब आपका क्या बचा? अब आपका बचा फाई, कि भाई फाई क्या होता है, ठीक है? फाई क्या होता है? मान लो मैं इस आर वेक्टर का प्रोजेक्शन बनाऊं किसके, आपके एक्स वाई प्लेन पे, इस तरीके से आपका प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ठीक है? यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है, ठीक है? इधर मान लो एक्स वाई प्लेन है, ठीक है? ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर मेरा एक एक्स वाई प्लेन है, इस पे मैं क्या बनाऊं इसका प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन कैसे बनता है? मुझे इस पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा एक्स वाई प्लेन पे, ये मान लो मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है? इस पॉइंट का नाम मान लो मैंने रख दिया ए, ठीक है? यहां से, ठीक है, चलो ओरिजिन के बारे में लाएंगे, ठीक है? ये मैंने मान लो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डाल दिया, एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है? ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये आपका प्रोजेक्शन होगा, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होगा? इस वेक्टर का प्रोजेक्शन, ये जो आपका आर वेक्टर है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन, ठीक है? OA जो होगा ये आपका आर वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा, किस पर? एक्स वाई प्लेन पर। और इसके साथ जो आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये जो इसके साथ एंगल बना रहा है, इसको हम फाई बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? फाई बोलेंगे, थोड़ा अच्छे से कर देता हूं, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम फाई बोलेंगे, फाई। जस्ट हमने एक एंगल का नाम रख दिया, इसको हम क्या बोल देते हैं? फाई बोल देते हैं। सो अगर मैं फाई की बात करूं, फाई आपका क्या है? एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड प्रोजेक्शन, एंड प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है? और आपका क्या आ जाएगा यहां से? फाई कैप। फाई कैप आपका क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग फाई, ठीक है? फाई की डायरेक्शन आपकी कुछ इस तरीके से, ठीक है? फाई की डायरेक्शन आपकी कुछ इस तरीके से, ये समझे? इस तरीके से इधर की साइड आएगी इनकी, ठीक है? ये फाई की आपकी डायरेक्शन, तो आपका ये बनेगा इन एंड आउट, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लिया, अब देखो मैं आपको रिलेशन फाइंड करके दूंगा, ठीक है? ये सब हो गया, अब हमको इन सब में रिलेशन भी तो चाहिए, है ना? तो रिलेशन फाइंड किया जाएगा, अब देखो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन आर थीटा एंड फाई, हम एक रिलेशन फाइंड करेंगे, किस किस में? आर में, थीटा में और फाई में रिलेशन फाइंड करेंगे, आर में, थीटा में, फाइंड में, फाई में, ठीक है? अब हमें एक चीज पता है, क्या
वेक्टर आपका क्या है, आर वेक्टर आपका एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट है, वाई एक्सिस पे क्या पॉइंट है और जेड एक्सिस पे क्या पॉइंट है, इसी का तो कंबाइन एक कंबाइन एक पॉइंट है आर वेक्टर। ये इस पॉइंट पर क्या एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आई जे के का। तो ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे मान लो इधर से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया ये, ठीक है, तो ये मेरा यहां से यहां तक क्या आ जाएगा, ये मेरा एक्स का वो आ जाएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और जब मैं यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दूंगा, किस पर, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दूंगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पूरा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट ही तो है, यहां से लेके यहां तक ये मेरा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट ही तो है, क्यों, तो ये मेरा एक्स एक्सिस मैंने आपको बताया, ये मेरा वाई एक्सिस मैंने आपको बताया, अब जेड एक्सिस क्या, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस, अब जेड एक्सिस यहां मान लो पॉइंट इस पे है, तो यहां से लेके यहां तक इसके सामने तक जितना भी है, ठीक है, जितना भी है वो क्या है आपका जेड एक्सिस ही है। तो ये जो पी ए की वैल्यू है वो क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है। सबसे पहले इसको इक्वेशन वन नोट करो, अब इसके अलोन थोड़ा चलते हैं। अब देखो जिस ट्राइंगल में मैं आपको बोलूंगा उस ट्राइंगल पे ध्यान देना, ये आपका ए है, इस पॉइंट को आप बी पॉइंट मान लो, इस पॉइंट को आप सी पॉइंट मान लो, सारे पॉइंट्स डन, कोई बचा तो नहीं बचा ना कोई भी, ठीक है। अब आपका कोई भी पॉइंट नहीं बचा है, सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डलेगा इस तरह, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डलेगा एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, एक राइट एंगल के इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा भाई, समझो, ये एक्स एक्सिस बिल्कुल इसकी तरह समझो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, चलो ये मेरा एक्स एक्सिस मैं मार्कर से डिनोट कर देता हूं, ठीक है, ये देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है, y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है, ठीक है। अब देखो पॉइंट मैंने क्या कहां पे लिया है, पॉइंट मैंने इधर लिया, ठीक है, पॉइंट समवेयर मैंने किधर लिया, इधर लिया, ठीक है, तो यहां से इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो परपेंडिकुलर देखो इधर से भी तो इधर भी तो 90 डिग्री बना रहा होगा प्लेन के साथ, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा होगा ना, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये याद रखना, ठीक है, यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा उस ट्राइंगल पे ध्यान देना, इन ट्राइंगल आप ओ ए बी ट्राइंगल में देखो, ओ ए बी ट्राइंगल में देखो, ठीक है, ओ ए बी ट्राइंगल में देखो, हल्का सा मैं इस ट्राइंगल को इधर बना देता हूं, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, देखो ये आपका बी 90 पे है तो मैं 90 बना देता हूं, इसको ओ ले लेता हूं, इसको ए ले लेता हूं, या चलो इसको ए ले लेता हूं, थोड़ा इजी ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, ये आपका ओ हो जाएगा। अब देखो आपका कौन सा एंगल फाई है, ये आपका बी ओ ए फाई है ना, बी ओ ए फाई है, तो ये आपका एंगल कैसा आ गया, फाई एंगल आ गया, ठीक है, कैसा एंगल आ गया आपका, फाई एंगल आ गया, ठीक है, ठीक है, यहां तक आपका कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ओ बी तो है, ओ बी हमारे पास क्या है, एक्स है, वो भी हमारे पास क्या है, एक्स है, अभी हमारे पास एओ भी नहीं है, एओ भी नहीं है और ए भी नहीं है, ए बी भी नहीं है, तो इसको मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए क्या, सो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं रो मान लेता हूं, या फिर कुछ भी मान लो, जैसे पी मान लो, चलो इसको मैंने मान लिया पी, ठीक है, ये देखो ये पी पॉइंट अलग है, स्मॉल पी, चलो पी ना मान के कुछ और मान लेता हूं, थोड़ा पी से कंफ्यूजन हो जाएगी, वरना तो ए मान लेते, ए मान लेते, ठीक है, तो जब मैं इसमें साइन फाई निकालूंगा तो वो मेरा क्या निकल के आएगा, साइन फाई। अब देखना एक चीज, देखो जितना ही है भाई, ये प्लेन पर अगर मैं इस तरीके से डालूंगा भाई, आपका अगर मैं एक्स वाई प्लेन लेता था, सिंपल एक्स वाई प्लेन लेता था, इस तरीके से मैं परपेंडिकुलर डाल देता था, तो जो अगर ये वाई एक्सिस होता तो ये भी वाई आता था ना, तो अगर इतना वाई है तो ये भी तो वाई होगा आपका, ए बी भी तो वाई होगा, है ना, ए बी की वैल्यू भी तो यही होगी, तो ए बी भी आपका यहां से यहां तक ये वाई ही तो होगा, ठीक है। देखो ये बच्चों, ये एक तरीके का क्या बनेगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा आपका एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है,
और आपका ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। तो अगर आप साइन फाई फाइंड करेंगे, साइन आपका क्या होता है, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर आपकी क्या हो जाएगी, वाई। हाइपोटेन्यूस आपको पता नहीं है, आपने ए मान रखी है, तो यहां से आपकी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए साइन फाई, ए साइन फाई आ जाएगी। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, ठीक है, ठीक है। अभी हम इस ट्राइंगल में चल रहे हैं, इस ट्राइंगल का ध्यान रखना, कौन से ट्राइंगल में चल रहे हैं, OAB ट्राइंगल में हम देख रहे हैं, ठीक है, OAB हम ट्राइंगल में देख रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अभी इसी ट्राइंगल में चलना है, और इसको याद रखना आप, इक्वेशन वन को अपने याद रखना, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी लास्ट में, ठीक है। इसको आप टू मान लो, ये भी हमको याद रखनी है। अब इसी ट्राइंगल में देखते रहो, और हमको क्या फाइंड करना है, कोस फाइव मान लो फाइंड करना, cos phi आपका क्या होगा, cos phi आपका क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस आपका क्या है, बेस आपका x है, हाइपोटेन्यूस आपका a है, तो cos, तो आपका x यहां से क्या जाएगा, x आपका आ जाएगा क्या, a cos phi, a cos phi, ये आपको इक्वेशन नंबर टू अपनी लेट कर लो, ठीक है। आई होप यहां भी आपको अब तक कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है, डन जी। अब आगे चलते हैं, आओ आओ अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, अब दूसरे ट्राइंगल में चलेंगे, ये आपके दो रिजल्ट आ गए हैं, ट्राइंगल OAB से, फिर AOB बोल दो, ठीक है। इन रिजल्ट्स को आपको याद करना है, तो मैं इसको हल्का सा नोट कर देता हूँ साइड में, है ना, मैं छोटा सा ये मैं अपने लिए नोट कर रहा हूँ, आपके तो नोटबुक में नोट हो गए, मैं अपने लिए कर रहा हूँ जो मैं भूलना चाहूँ, ठीक है। ए साइन फाइव आया है आपका, और x आपका a cos phi आया है, ये मैंने नोट कर दिया अपने लिए, ठीक है, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने अपने लिए किया है, ठीक है। आगे थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे, इसी में क्या मिलेगा देखो हमें, और अब कौन सा ट्राइंगल हम चाहेंगे, देखो ये भी आपका एंगल cos theta हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई ये भी इसके पैरेलल ही तो आएगा, एक ही बात तो है, x एक्सिस ये z एक्सिस, z एक्सिस ही तो है, ठीक है। तो अब ट्राइंगल में कौन सा देखूंगा, यहां ट्राइंगल पे ध्यान देना जरा, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, OAP, इसको मैं हल्का सा ड्रॉ कर देता हूं आपकी थोड़ी सहूलियत के लिए, ठीक है। 90 डिग्री बन रहा है किस पर, A पर, तो मैं A हाथ रखूंगा, ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, इसको मैं पॉइंट मानूंगा P, और इसको मैं पॉइंट मानूंगा O, ठीक है। और AP O मेरा क्या है, ये मेरा है थीटा, क्या है, थीटा, ठीक है, ठीक है। और मेरे पास PA की वैल्यू क्या है, AP, या फिर PA की वैल्यू क्या है, Z, ये तो मेरे पास Z है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास Z है। और OA को मैंने क्या लेट करा है अब तक, OA को मैं A लेट करता आया हूं, A लेट करता आया हूं, ठीक है। और आपका क्या बचा, OP आपका R है, OP आपका क्या है, R है, ठीक है, ये सब आपके पास आ गया। चलो वापस से बच जाते हैं अपना cos phi, सबसे पहले cos theta फाइंड करते हैं, तो आपका यहां से cos theta क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस आपका क्या है, z, हाइपोटेन्यूस आपका क्या है, r, है ना, z है और आपका r है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, z, r cos theta, ठीक है, r cos theta। अगर मैं यहीं से साइन थीटा फाइंड करूं, तो साइन थीटा मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर आपकी क्या है, ए, और हाइपोटेन्यूस आपकी क्या है, आर, तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर साइन थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट करो, और इसको इक्वेशन नंबर 4 लेट करो। अब देखो मेरे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई है, और यहां पर जो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 थी और क्वेश्चन नंबर 2 थी, उसमें आपके पास ए की वैल्यू नहीं थी, तो मैंने लेट कर रखी थी, तो मेरे पास ये ए की वैल्यू आ गई है, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको किस तरीके से करेंगे। देखो ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन 3 है, इसको मैं लिख देता हूं, z बराबर r cos θ,
ठीक है। चलो सो फ्रॉम इक्वेशन फोर फ्रॉम इक्वेशन फोर इक्वेशन वन एंड टू विल बिकम क्या हो जाएंगे इक्वेशन वन एंड टू y इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है r साइन थीटा और क्या साइन फाइ और आपके x की वैल्यू r साइन थीटा और क्या आपका cos फाइ। ठीक है इसको अब इक्वेशन क्या लेट कर लो आप फोर तक हो गया था ना तो इसको फाइव इसको सिक्स ठीक है और आपकी एक इक्वेशन जेड निकालेंगे आपकी क्या है आर कोस थीटा ये आपकी इक्वेशन नंबर थ्री है और याद करो आपकी इक्वेशन नंबर वन मैंने क्या लिखवाई थी इक्वेशन नंबर वन मैंने आपको क्या लिखवाई थी आर एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप यही थी इक्वेशन नंबर वन। तो जब मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें पुट करूंगा जब मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास देखो तीनों में रिलेशन आ जाएगा निकल कर ठीक है तो पुट करो तो r वेक्टर मेरा क्या निकल के आएगा x की वैल्यू पुट करो सबसे पहले r sin थीटा cos phi i कैप प्लस y यानी r sin थीटा sin phi j कैप प्लस z की वैल्यू पुट करनी है r cos थीटा क्या तो ये मेरा एक पूरा रिलेशन निकल के आ जाएगा। देखो बच्चे ये r है ये इसका मैग्नीट्यूड है ठीक है ये मैग्नीट्यूड है तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा देखो थीटा फाई और r में रिलेशन निकल कर मेरे पास एक आ जाएगा ये मेरे पास वो रिलेशन ठीक है। ठीक है एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है बच्चों। तो अब आपने सीख लिया है कि किस तरीके से आप इन थीटा फाई वगैरह से आप आर से इन सबको निकाल सकते हो ठीक है। अब हमें रिवर्स भी सीखना होगा रिवर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ठीक है कि जब आपको क्या गिवन हो जब आपको थीटा फाई ये सब गिवन हो तो आप एक्स वाई जेड को कैसे फाइंड कर सकते हो ठीक है। यहां तो आपने कैसे फाइंड किया कि एक्स वाई जेड भाई आपने ये रिलेशन देखा ना कि भाई आपने एक्स अगर आपके पास r है थीटा है फाई है तो आपने x निकाला अगर आपके पास x y z होंगे तो आप ये किस तरीके से निकाल सकते हो अब आपको मैं वो सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं ठीक है फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है। थैंक यू वेरी मच।